विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपी नड्डा को बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है और कुशल संगठनकर्ता जेपी नड्डा का आज 2 दिसंबर का दिन बेहद खास है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। इस खास अवसर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने ट्विटर के जरिए बधाई विश किया। देखिए जेपी नड्डा के जन्मदिन को लेकर ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को बर्थडे विश किया और ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से भाजपा में नया जोश और नई ऊर्जा भरने का काम किया है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करे। अब जेपी नड्डा के राजनीतिक करियर के बारे में नजर डालते हैं, कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर। एबीवीपी से शुरू किया था राजनीतिक करियर। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1975 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनकर की थी। इसके बाद एबीवीपी में शामिल हो गए थे। जब जेपी नड्डा ने पटना विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की थी तब उनके पिता एनएल नड्डा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1977 में जेपी नड्डा ने एबीवीपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव चुने गए। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने हिमाचल विश्वविद्यालय से की लॉ की पढ़ाई। 1991 में उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में वो हिमाचल प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़े और 3 बार जीते, तो वही 3 कार्यकालों के लिए हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 1993 से 1998, 1998 से 2003 और फिर 2007 से 2012 तक। इसके अलावा वह वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। अपनी प्रसिद्ध उपलब्धियों के तहत उन्हें एक ऐसे मंत्री के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने वन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में प्रभावी रूप से वन पुलिस स्टेशन स्थापित किया। उन्हें शिमला में हरित आवरण को बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है और इस उद्देश्य के लिए वे राज्य में कई वृक्षारोपण अभियान शुरू करने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के हिस्से के रूप में भी कोस्टा रिका, ग्रीस, टर्की, ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों का दौरा किया। उनके नेतृत्व में आज बीजेपी अपने मुकाम पर विजय के झंडे गाड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।